नमस्कार। पिछले व्याख्यानों में हमने देखा था कि किस प्रकार यदि हमारे पास एक अचर के किसी भी लंबाई के अथवा किसी भी संख्या की हमारे पास n गणनाएं हों, उसके n माप हों, उनमें से हम उसका वास्तविक माप किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, वह हमने देखा था कि यदि हम उसका गणितीय औसत ले लें तब वह उसके माप के पास होगा एवं वह गणितीय औसत उस वस्तु के वास्तविक माप का एक अच्छा अनुमान हो सकता है। हमने यह भी देखा था कि जैसे जैसे हम प्रतिदर्श समष्टि में बिंदुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वह माप उस माप का प्रसरण घटता जाएगा, हम उस औसत का प्रसरण घटता जाएगा, जिससे कि हम यह कह सकते हैं कि औसत उस वास्तविक संख्या के अधिक से अधिक पास है। अर्थात हम एक यादृच्छिक चर के लिए, क्योंकि हमने यह सिद्ध किया था कि हमारे द्वारा लिए गए माप यादृच्छिक हैं, हम एक यादृच्छिक चर के लिए एक ऐसे अचर का अनुमान लगाना चाहते थे जो किसी रूप में उस यादृच्छिक चर में होने वाली त्रुटि का मान करे। यदि हम उस यादृच्छिक चर के स्थान पर उस अचर का प्रयोग करें तो उसमें होने वाली त्रुटि न्यूनतम हो, हम यह चाहते थे। अब इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए हम अनुमानन सिद्धांत की कुछ चर्चा करेंगे। अथवा एस्टिमेशन थ्योरी। अनुमानन सिद्धांत प्रायिकता एवं यादृच्छिक प्रक्रियाओं की वह उपशाखा है अथवा वह शाखा है जहाँ पर हम किसी भी यादृच्छिक चर का किसी अचर के रूप में अथवा किसी अन्य यादृच्छिक चर के रूप में अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। हम यह मानते हैं कि अचर तो हमें ज्ञात ही होते हैं एवं एक अन्य यादृच्छिक चर भी हमें ज्ञात होगा, तो हम किस प्रकार एक अन्य यादृच्छिक चर जो कि हमें ज्ञात नहीं है उसका अनुमान लगा सकते हैं। आप यह देख सकते हैं मौसम का अनुमान लगाने में, मौसम का भविष्य एक यादृच्छिक चर है जो हमें ज्ञात नहीं है, किंतु मौसम का वर्तमान हमारे लिए अचर है, अर्थात हम उस वर्तमान के संदर्भ में भविष्य का अनुमान लगाना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था के अनुमान वास्तविक अचरों के संदर्भ में और ज्ञात अचरों के संदर्भ में, ज्ञात चरों के संदर्भ में भविष्य के यादृच्छिक चरों का अनुमान लगाना। इस प्रकार अनुमानन प्रायिकता की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है एवं हमारा प्रयास यहाँ पर रहेगा कि हम अनुमानन के कुछ बेसिक, कुछ मूलभूत सिद्धांत यहाँ प्रस्तुत करें। अनुमानन का एक मुख्य भाग है वर्ग न्यूनतम वर्ग मध्यमान मिनिमम मीन स्क्वेयर्ड एरर एस्टिमेशन। अर्थात हम यह चाहते हैं कि हम अज्ञात यादृच्छिक चरों के ऐसे अनुमान ज्ञात करें कि उनमें होने वाली त्रुटि का वर्ग मध्यमान
न्यूनतम, उनमें होने वाली त्रुटि का वर्ग मध्यमान न्यूनतम हो। अब इसी संदर्भ में हम सबसे पहले एक यादृच्छिक चर x को एक अचर c से अनुमानित एक अचर c से अनुमानित करना चाहते हैं। यहां हम त्रुटि को टिल्डा, इसे एक्स टिल्डा कहेंगे, एक्स टिल्डा बराबर एक्स माइनस सी द्वारा इंगित कर सकते हैं। एवं वर्ग मध्यमान त्रुटि को जे बराबर प्रत्याशा बराबर प्रत्याशित मान द्वारा इंगित कर सकते हैं। हम C का चुनाव इस प्रकार करना चाहते हैं कि J न्यूनतम, हम सी का चुनाव इस प्रकार करना चाहते हैं कि जे न्यूनतम हो। इसके लिए हम लिख सकते हैं जे बराबर है समाकलन अनंत से अनंत एक्स घटा सी वर्ग एफ एक्स एक्स डी एक्स। अब यह है सी का एक फलन है, अर्थात हम इसे सी में अवकलित कर सकते हैं। अवकलन जे बराबर है, क्षमा कीजिएगा, यह सी होना चाहिए, डी जे बटे डी जे, माइनस दो अनंत से अनंत एक्स माइनस सी एफ एक्स एक्स डी एक्स। यह अब सी के संदर्भ में जे के न्यूनतम होने के लिए हम चाहते हैं कि ए बटे डेल सी बराबर हो शून्य, हम यही चाहते हैं, अर्थात अनंत से अनंत एक्स माइनस सी एफ एक्स एक्स डी एक्स बराबर है शून्य। अब इस कोष्ठक को खोलते हुए हम लिख सकते हैं अनंत से अनंत एक्स एफ एक्स एक्स डी एक्स बराबर है सी एफ एक्स एक्स डी एक्स, अर्थात प्रत्याशित मान एक्स बराबर है सी। अर्थात इसका अर्थ सरल है कि वर्ग मध्यमान त्रुटि को न्यूनतम करने वाला C इस X का मध्यमान होगा। C बराबर है प्रत्याशा X अथवा मध्यमान X। हम फलस्वरूप यह लिख सकते हैं कि J द्वारा धारण किया गया न्यूनतम मान, जिसे हम J min लिखते हैं, वह प्रसरण X के बराबर होगा। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए अब मान लीजिए हमारे पास दो यादृच्छिक चर x एवं y हैं, जिनमें से x हमें ज्ञात है। अब हम y को x के फलन जी एक्स के रूप में अनुमानित वाई के फलन जी एक्स के रूप में अनुमानित करना चाहते हैं, जिससे वर्ग मध्यमान त्रुटि न्यूनतम हो।
हम लिख सकते हैं अनुमान y बराबर है जी एक्स, त्रुटि y बराबर है y माइनस जी एक्स बराबर है y माइनस y अनुमान। अब फिर से वर्ग मध्यमान त्रुटि j को हम लिख सकते हैं यह वर्ग मध्यमान त्रुटि है, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं j बराबर है y घटा जी एक्स यह इसे हम लिख सकते हैं एफ एक्स एक्स वाई घटा जी एक्स वर्ग एफ वाई उपस्थित एक्स डी वाई डी एक्स। अब हम यह देख सकते हैं कि हमने जे को मूल रूप से तोड़ दिया एवं हमने जे को दो समाकलनों में तोड़ दिया है, बाहरी समाकलन एक्स के संदर्भ में है एवं आंतरिक समाकलन वाई के संदर्भ में है। हम यह देख सकते हैं कि आंतरिक समाकलन वाई एवं एक्स दोनों में ऋणेतर यह एक्स एवं वाई दोनों में ऋणेतर फलन है, फलस्वरूप यह आंतरिक समाकलन भी एक ऋणेतर समाकलन यह भी फलस्वरूप यह समाकलन x में एक ऋणेतर फलन है, फलस्वरूप यह समाकलन x में एक ऋणेतर फलन है। अब इस ऋणेतर फलन का समाकलन न्यूनतम तब होगा जब यह प्रत्येक ज्ञात x के लिए न्यूनतम होगा, यह इसका समाकलन न्यूनतम तभी होगा जब यह प्रत्येक ज्ञात x के लिए न्यूनतम होगा, अथवा जे एक्स बराबर y घटा जी एक्स वर्ग x डी वाई प्रत्येक x के लिए अब किसी भी ज्ञात x के लिए जी एक्स भी एक ज्ञात फलन अथवा एक अचर की तरह व्यवहार करेगा, जी एक्स भी एक ज्ञात फलन अथवा एक अचर की तरह व्यवहार करेगा, अर्थात जे एक्स किसी भी एक्स के लिए न्यूनतम होगा जब जी एक्स बराबर है अनंत यह
जी एक्स बराबर है उस एक्स के लिए वाई का प्रत्याशित मान, जिसे हमने पूर्व में फाई एक्स के रूप में परिभाषित कर चुके हैं। अब हम इसी चर्चा को एक विशेष संदर्भ में देखते हैं। हम रैखिकीय जी एक्स की चर्चा करते हैं। अर्थात जब हमें y अनुमान ax के रूप में हो एवं a का चुनाव ए का चुनाव इस प्रकार करना हो कि वाई घटा वाई हैट न्यूनतम हो। अब यदि हमें एक्स ज्ञात है एवं हम एक्स के रैखिकीय फलन के रूप में वाई ज्ञात करना चाहते हैं, हम जानते हैं कि x का प्रसरण सिग्मा x वर्ग है, y का प्रसरण सिग्मा y वर्ग है एवं xy का सह प्रसरण सिग्मा एक्स वाई है। इस सब के साथ हम लिख सकते हैं जे बराबर है प्रत्याशित मान वाई माइनस वाई है, वाई अनुमान बराबर है प्रत्याशित मान वाई माइनस ए एक्स वर्गमूल। अब इसे आगे बढ़ाते हुए हम लिख सकते हैं यह बराबर है प्रत्याशित मान वाई जमा ए वर्ग प्रत्याशित मान एक्स घटा ए प्रत्याशित मान एक्स वाई। यह अब हम ए इस प्रकार चाहते हैं कि यह जे न्यूनतम हो, अर्थात क्योंकि हमने यह माना है कि एक्स एवं वाई दोनों का मध्यमान शून्य है, हम लिख सकते हैं जमा ए वर्ग प्रसरण एक्स वर्ग घटा दो ए सह प्रसरण एक्स वाई, हम यह लिख सकते हैं। अब यह हम इस प्रकार लिख सकते हैं दो ए एक्स वर्ग घटा दो ए एक्स बराबर है शून्य, जैसा कि हमने पहले भी कहा था। अर्थात ए सिग्मा एक्स वर्ग अथवा ए प्रसरण एक्स बराबर है, यह ए नहीं आएगा तो एक्स वाई, अथवा ए सिग्मा एक्स वर्ग बराबर है सिग्मा एक्स वाई, अर्थात सिग्मा एक्स वर्ग अथवा ए बराबर है एक्स वाई बटे सिग्मा एक्स वर्ग। यह ए का न्यूनतम वर्ग मध्यमान अनुमान है एवं हम लिख सकते हैं जे मिन बराबर है सिग्मा वाई वर्ग जमा ए वर्ग सिग्मा एक्स वर्ग घटा दो ए सिग्मा एक्स वाई। अब यहाँ पर ए बराबर सिग्मा एक्स वाई बटे सिग्मा एक्स वर्ग डालते हुए हम लिख सकते हैं सिग्मा वाई वर्ग जमा सिग्मा
एक्स वाई वर्ग बटे सिग्मा एक्स घात चार सिग्मा एक्स वर्ग घटा दो सिग्मा एक्स वाई बटे सिग्मा एक्स वर्ग सिग्मा एक्स वाई सिग्मा वाई वर्ग जमा सिग्मा एक्स वाई घात बटे सिग्मा एक्स घात घटा दो सिग्मा एक्स वाई घात बटे सिग्मा एक्स घात सिग्मा वाई वर्ग घटा सिग्मा एक्स वाई वर्ग बटे सिग्मा एक्स वर्ग यह इसकी न्यूनतम वर्ग मध्यमान त्रुटि होगी। अनुमानन की चर्चा इस कोर्स में हम केवल इतनी ही करेंगे। हो सकता है कि हम कुछ समय में अनुमानन सिद्धांत पर एक अलग कोर्स चलाएं। अभी इस कोर्स में अनुमानन की चर्चा केवल इतनी ही होगी। अगले व्याख्यान से हम यादृच्छिक अनुक्रमों के अभिसरण पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।